हेलो फ्रेंड्स, अब अजय देवगन की एक नई मूवी आई है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। और ये मूवी मैंने आज देखी, हॉटस्टार पे ये रिलीज हुई है। और ये मूवी मुझे अच्छी लगी, पसंद आई, पर बहुत अच्छी नहीं लगी, बहुत पसंद नहीं आई। तो इसमें मुझे कुछ खासियत भी लगी, कुछ अच्छी बातें भी लगी और कुछ इसमें कमियां भी लगी। मैं वो दोनों आपको बताऊंगा। तो इसकी जो खास बात है, जो इसकी स्पेशलिटी है मूवी की, वो है इस मूवी का एक्शन। ये एक वॉर मूवी है, वॉर एक्शन मूवी। और वॉर में जैसे एक्शन हम कह सकते हैं तीन तरह का होता है, एक पानी में, ऑन लैंड और एयर। तो इसमें ऑन लैंड और एयर का एक्शन है, जैसे मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स। और ये जो एक्शन है ये बिल्कुल ए लेवल का एक्शन है। और मुझे तो एक्शन देख के इस मूवी का ऐसा लगा कि ये बिल्कुल जैसे हॉलीवुड लेवल का एक्शन लगा। तो अगर आप एक्शन के लिए ये मूवी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और अगर ये आपके घर के पास हॉल पे लगी है, क्योंकि कई जगह पे ये हॉल्स में भी रिलीज हुई है, तो तब मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, आप ये अगर मूवी देखते हैं तो इसको आप सिनेमा हॉल पे प्रेफर करें। सिनेमा हॉल पे इसका जो एक्शन है वो देखने में मज़ा ही आ जाएगा। इसके स्पेशल इफेक्ट्स, VFX सब बिल्कुल ए लेवल के हैं। अब हम एक्शन के अलावा इसकी जैसे स्टोरी पे आते हैं, तो मैं आपको स्टोरी कोई रिवील तो नहीं करूंगा, क्योंकि उससे मूवी का मजा ही खराब हो जाता है। पर स्टोरी जो है ये अच्छी है स्टोरी। ये जो प्रोड्यूसर्स ने भी मूवी में क्लेम किया है कि रियल स्टोरी पे आधारित है, पर ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स नहीं है इसमें। इसमें कई चीजें जोड़ी भी गई है, अपने हिसाब से मोल्ड किया है, वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया है अपने डिस्क्लेमर में। तो स्टोरी इसकी अच्छी है, पर हम देखें ये स्टोरी जो है बिल्कुल वन ट्रैक पे चलती है। जैसे ये एक वॉर बेस्ड मूवी है, पेट्रियोटिक मूवी है, और 1971 के टाइम की ये मूवी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसकी इन कंट्रीज को ये इन्वॉल्व करती है। तो अगर आपको मूवी में मसाला चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, जैसे उसमें कॉमेडी भी हो, रोमांस भी हो, एक्शन भी हो अलग अलग तरह का, तो तब ये मूवी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल वन ट्रैक पे चलती है। एक ये वॉर बेस्ड एक्शन मूवी है, तो स्टोरी भी इसकी अच्छी है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आए। कुछ लोगों को इसकी स्टोरी और ओवरऑल मूवी बोरिंग भी लग सकती है। जैसे हम ऐसी एक वॉर बेस्ड मूवी आई थी उरी, विक्की कौशल की, तो उसमें जो स्टोरी थी और जो प्रेजेंटेशन थी तो वो काफी ग्रिपिंग थी। जिनको वॉर बेस्ड मूवीज कम भी पसंद है तो वो भी उस मूवी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये जो मूवी है भुज, इसमें कहीं पे सारे ऑडियंस इन्वॉल्व नहीं हो पाते, इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जिनको ये मूवीज इस टाइप की पसंद है तो वो तो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और एंड तक उनको बांधे रहती है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी को ये एंड तक बांधे रहे। उतनी ग्रिपिंग नहीं है ये उरी जितनी। एक्शन के लेवल में तो ये बिल्कुल उरी के लेवल की है, उससे कम नहीं है इसका एक्शन। बट ओवरऑल जो एक मूवी में शुरू से एंड तक ग्रिप होना चाहिए, उसकी कमी है। और फिर हम देखें इसमें एक्टिंग की बात करें, तो इसमें सबसे बढ़िया और सबसे सरप्राइजिंग रोल किया है नोरा फतोही ने। और हम उसको हमेशा उस हीरोइन को जानते हैं ऐसे आइटम सॉन्ग्स के लिए या डांस सॉन्ग्स के लिए, पर इस मूवी में उसको एक्शन करने का भी मौका मिला है और एक्टिंग का भी स्कोप है, और रोल बहुत बढ़िया किया है उसने। पर अगर आप अजय देवगन के फैन हैं और अजय देवगन की एक्टिंग के लिए आप ये मूवी देखना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा फिर आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, क्योंकि अजय देवगन के लिए इस मूवी में एक्टिंग वाइज कोई खास स्कोप नहीं है। वो इस मूवी में एक तरह से एक डमी एक्टर की तरह है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ मूवीज होती है जिसमें एक्टर को थोड़ा सा बस अपनी पर्सनैलिटी दिखानी होती है और एक्शन करना होता है और साथ में स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, पर अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का उसके पास इतना स्कोप नहीं होता। तो इस मूवी में काफी हद तक वैसे ही है, ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स नहीं है अजय देवगन के पास, या ऐसे कोई डिफरेंट सीन्स नहीं है जिसमें वो अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा सके। तो अजय देवगन ने मूवी में जैसे अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके बेसिस पे काम किया है, और जो VFX और स्पेशल इफेक्ट्स है, एक्शन है, वो ही इस मूवी के हाईलाइट्स है। और एक्टिंग वाइज ये अजय देवगन के केस में उनके फैंस को डिसअपॉइंट कर सकती है। और इसके अलावा फिर इसमें संजय दत्त भी है और सोनाक्षी सिन्हा भी है,
पर मैं आपको बताऊं, मुझे संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा दोनों की एक्टिंग इस मूवी में हल्की लगी। ऐसा लगा कि इनकी जगह किसी और को मौका देते तो थोड़ा और बेटर रहता मूवी में, क्योंकि संजय दत्त थोड़ा एक तो फिट भी नहीं लगे मूवी में, उनका जो जैसे वेट काफी गेन हुआ हुआ था, तो जो एक फिटनेस लेवल होता है तो उस हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी नहीं लग रही थी एक वॉर मूवी के हिसाब से। और उधर से सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग काफी हल्की थी, और तो एक्टिंग वाइज मैं कहूंगा थोड़ा सा ये मूवी डिसअपॉइंट करती है, एक्सेप्ट फॉर नोरा फतोही, किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया है। और फिर हम देखे इसमें ऐसे कोई सॉन्ग्स भी इतने कोई ऐसे हिट नहीं है, और कोई इसमें एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखे तो वन डायरेक्शनल चलती है। तो ओवरऑल ये मूवी अच्छी है वैसे, और कई लोगों को पसंद आएगी, कई लोगों को बोरिंग भी लग सकती है। तो अगर आपको एक्शन मूवीज पसंद है और खास तौर से आप ऐसा एक्शन देखना चाहते हैं जैसे एयरक्राफ्ट का, एयर का एक्शन और लैंड का वॉर एक्शन, तो उसमें ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, उसके लिए आप मूवी को देख सकते हैं। और मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.5 out of 5, दैट इज माई रेटिंग। इट इज ए वन टाइम वॉच, एक बार आप इसको देख सकते हैं, और अगर घर के पास हॉल पे लगी है तो आप इसको हॉल पे देखना प्रेफर करें। ओके फ्रेंड्स।